जो 2.5 है ना, पूरी एक्सरसाइज वो लास्ट टाइम सिंध बोर्ड के सिलेबस में नहीं होती थी, इन्होंने इजाफा किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी में काफी क्लासेस इस टॉपिक पे होंगी आपकी, जो 2.5 का टॉपिक है। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग वाले बच्चे लाजमी कोर्स पढ़ते हैं लीनियर अलजबरा के नाम से, उसमें लाजमी मैट्रिसेस होती हैं। मैट्रिसेस में ये बेसिक बातें तो खैर अब नहीं पढ़ाएगा आपको, लेकिन जो सबसे पहली बातें आप पढ़ोगे वो 2.5 की जो है ना वो आप पढ़ा करोगे। और डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट भी आपके आ रहे होते हैं। तो 2.5 का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है एज फार एज यूनिवर्सिटी इज कंसर्न्ड। तो ध्यान से पढ़ो ताकि अभी अगर सही तरह समझ लोगे ना तो जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उसमें मसला नहीं होगा। आप दोबारा फर्स्ट ईयर की कॉपी उठा के देखना, अगर आपने सही तरह समझा होगा आपको सब चीजें दोबारा याद आ जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले बताया था कि मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिनकी यूनिवर्सिटी में आप लोगों की बहुत एप्लीकेशन है। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि इनको सही तरह पक्का कर लो, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर पास नहीं करनी ना, सेकेंडरी भी करनी है, यूनिवर्सिटी में भी जाना है। तो मकसद आपका दूर का होना चाहिए, ये नहीं कि बस फर्स्ट ईयर में कर लिया हो गया बस। है क्या टॉपिक है इसका, वो जरा देख लेते हैं। ये पंजाब बोर्ड के अंदर है लेकिन सिंध बोर्ड के अंदर नहीं होता था, तो अब अच्छी बात है कि इन्होंने सिंध बोर्ड के अंदर भी डाल दिया। वो है रॉ ऑपरेशन, तो वैसे कहते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। अच्छा, ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं। रॉ ऑपरेशन मैंने बताया था, कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं। लेकिन कॉलम ऑपरेशन हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि जितने अभी आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किए हैं, नॉर्मली हम, अगर मैं आप लोगों से सर्वे करवाऊं और अगर आप लोग जवाब दो मुझे, तो रॉ को डील करना आसान होता है या कॉलम को डील करना आसान होता है? रॉ तो आप लोग में से भी बच्चों ने कहा है कि रॉ को डील करना आसान होता है। तो हालांकि कॉलम के साथ भी आप कर सकते हो, सब काम करते हो। प्रॉपर्टीज जो आपने रॉ की पढ़ी है वो सब कॉलम के अंदर भी है, लेकिन हम रॉ के हिसाब से पढ़ाते हैं क्योंकि रॉस को डील करना आसान होता है। रॉस को डील करना आसान क्यों होता है वो मैं आज आप लोगों को जरा एक ट्रुथ बताऊंगा जो आप लोगों को समझ आएगी कि हम क्यों इतना फिजिबल होते हैं उसमें। वो ये है कि अच्छा उसको पहले भी छोड़ते हैं। तो दो किस्म के ऑपरेशन, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये दोनों आप कंसिडर कर सकते हो। जो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन है तीन में बताऊंगा, वही कॉलम ऑपरेशन भी है, बस उनमें कॉलम लगा देना, इधर रॉ पढ़ रहे हैं। लेकिन हम रॉ के हिसाब से चलेंगे, आगे जो वर्किंग करेंगे वो रॉ के हिसाब से करेंगे। लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सेम वर्किंग आप कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन हम रॉ के हिसाब से करेंगे। दूसरी बात, जब आप सिंपल सी हम बात करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूँ, ये जो टॉपिक पढ़ने लगे हो ना, इस टॉपिक का असल मकसद जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। असल मकसद मत भूलना, ये जो टॉपिक आप पढ़ने लगे हो, मैट्रिसेस आपकी इतनी हेल्प करेंगी इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब आप लोग बोलोगे सर ये तरीके हमने पढ़े हुए तो हैं, हम कर लेते हैं, हमें क्यों मैट्रिसेस की जरूरत है? क्योंकि अभी जो आपके पास सिस्टम आते थे बड़े मजे के आते थे। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, आप आसानी से सुकून से कर दिया करते थे। अगर 10 अननोन हो और 10 इक्वेशन हो आप किस तरह करोगे? मैनुअली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आप कंप्यूटर को भी कुछ दे दोगे तो इनको हैंडल करना आसान नहीं होता कि 10 अननोन्स हैं, आप लिखोगे सॉल्व करोगे मसला होगा। तो हम प्रेफर करते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको क्या करना होता है, आपको वेरिएबल नहीं लिखने होते, आपको जस्ट नंबर्स लिखने होते हैं। मैं बताऊंगा कि मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है इसको। मैट्रिक्स में आप जस्ट नंबर लिखोगे, एक्स वाई नहीं लिखोगे, आप जस्ट लिखोगे 2 3 3 4 इस तरह लिखोगे आप। तो मैट्रिक्स के अंदर आपकी कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाती है। तो दैट्स वाई अभी जो आप इक्वेशन देखोगे उनको आप मैट्रिक्स के जरिए से सॉल्व कर रहे होते हो। कितनी ऐसी इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते जो आप तरीके पढ़ोगे, तो मैट्रिसेस के जरिए से वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि मैट्रिसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हो। कितने आपके सॉफ्टवेयर जो है मैथमेटिकल वो काम ही मैट्रिसेस के अंदर कर रहे होते हैं। आप इनपुट भी मैट्रिक्स देते हो, वो आउटपुट में जो आंसर है वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको देते हैं, क्योंकि काफी ईजी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बेसिक बातें बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ऑपरेशन बुक में डिस्कस हुए हैं, क्यों उन्होंने वो तीन ऑपरेशन डिस्कस किए हैं। उनकी बेसिक यहाँ पे है कि जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे में आपने की होगी लाजमी, तो सबसे पहला काम जो आसानी से आप कर दिया करते थे, कोई रोकता नहीं था आपको, वो ये था कि आप इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। बिलफर्ज अगर कोई इसको 1 कह रहा है और इसको 2 कह रहा है, तो क्या कोई एक कंफर्म था कि इसको 1 ही कहना है? आप इसको 2 बोल दो, मतलब आप इसको इंटरचेंज, कोई इसको इस तरह लिखेगा, आप बेशक इसको इस तरह लिख दो। कभी किसी ने कोई पॉइंट आउट किया, नहीं भाई आपने गलत काम किया? नहीं, आपकी मर्जी है, किसी को भी 1 कह दो, किसी को भी 2 कह दो। आसानी के तौर पे जो पहले लिखी होती थी उसको 1 कह देते, दूसरी होती थी उसको 2 कह देते, लेकिन आपकी मर्जी, आप आपस में इंटरचेंज कर लो इनको, क्या मसला है।
ये वो पहला काम था जो आप आसानी से कर लिया करते थे, कोई चेंजिंग नहीं पड़ेगी। असल इनको सॉल्व करने में मकसद क्या होता था, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट करो तो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए, इसी तरह इसके अंदर पुट करो तो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए। तो मकसद एक्स और वाई निकालना था ना, आप इंटरचेंज कर लो आपस में, क्या मसला है। तो ये वो पहला काम था जो आप आसानी से कर लिया करते थे। दूसरा काम, आप किसी भी रॉ को मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। आपने सुना है कि किसी ने मना किया, नहीं यार किसी मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने हजार दफा काम किया होगा। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो आप क्या करोगे यहाँ से, अगर आपने एक्स को कैंसिल करना है तो आप इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करवाओगे थ्री से, इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करवाओगे टू से। तो बहुत दफा आपने किए, किसी ने कभी आपको मना किया है? नहीं, सबने बोला है कि यार अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ काम करवा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप इक्वेशन के दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, करवा दो हमें क्या है। ठीक है, इसी तरह इसको अगर थ्री से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, इक्वेशन के दोनों तरफ करवाओ। तो ये वो दूसरा ऑपरेशन था जो आप यहाँ पे किया करते थे, कोई पाबंदी नहीं होती थी आपकी। ठीक है, और तीसरा ऑपरेशन क्या होता था, बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कंसिडर कर लो, उसको मैं एक्स कह देता हूँ। नॉर्मली हम इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, बिलफर्ज अगर ये इक्वेशन आ जाए तो हम क्या करते थे, हम इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट किया करते थे। सब्ट्रैक्ट हम किस तरह करते थे, लकीर डाल के इस तरह कैंसिल करते थे। बिल्कुल सही बात है, उस तरह भी आप कर सकते हो, या सिंपल हल क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ना, तो आप बोलते हो कि यार मैं इक्वेशन वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवाओ इक्वेशन वन को। तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस ट्वेल्व, और फिर आप इसको ऐड करवा दो टू के अंदर। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो आप इनको ऐड इस तरह करवाते थे कि आपस में ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, या जो वाई की वैल्यू आ रही, इस तरह करते थे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, आप कर क्या रहते थे, मतलब आप क्या कर रहे होते थे, आप एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे और दूसरी के अंदर ऐड करते थे, यही काम किया ना आपने। आपने किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड करवा दिया दूसरी इक्वेशन के अंदर। ये वो तीसरा काम था जो आप करते थे। पहला काम क्या था कि आप आपस में मर्जी किसी को भी वन किसी को भी टू बोल दो। दूसरा काम क्या था, आप किसी को भी अपनी तरफ से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। और तीसरा काम क्या था कि आप किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के दूसरी में ऐड करवा दिया करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी ने कभी आपको मना किया कि इस तरह आप करोगे तो यार गलत हो जाएगा, नहीं किसी ने मना नहीं किया। ये तीन बातें समझ आई हैं सबको? यस सर। जी सर। अच्छा, मकसद हमारा होता क्यों था, हम यहाँ पे इस तरह ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों करते थे? मकसद हमारा ये होता था, जैसे अगर आपके पास इक्वेशंस लिखी नहीं है, इक्वेशन वन और टू, आपने इनको इतना सिंप्लीफाई करना है एंड पे ये इक्वेशन ये बन जाए, ये होता था स्टार्टिंग। और हम एंडिंग क्या एक्सपेक्ट करते थे, हम एंडिंग ये एक्सपेक्ट करते कि एंडिंग हमारी क्या हो, कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स हो, यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही हो, हम एंडिंग यही एक्सपेक्ट करते थे ना। अगर सबको याद हो इक्वेशन ये होती थी, हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमें आंसर ये मिले, तो x की वैल्यू मिल जाए, कोई y की वैल्यू मिल जाए, कंसीडर कर लो x की वैल्यू टू आ रही है, y की वैल्यू थ्री आ रही है, कंसीडर कर लो। तो हुआ क्या, आपने इनको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कर दिया। इस फॉर्म को मैं थोड़ा मजीद रिफाइन भी कर सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू टू और जीरो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, एक ही बात है इनको लिखने का तरीका। तो आप करते क्या थे, आपकी कोशिश ये होती थी कि यार देखो अभी मुझे एक्स और वाई नहीं मिल सकता, आप बता सकते हो इसमें एक्स और वाई क्या होगा, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी कोशिश क्या थी कि मैंने इनको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करना है, जो मैथ ने मुझे अलाउ किया है, ये नहीं अपनी तरफ से कुछ भी कर दो, जो मैथ ने मुझे तीन काम अलाउ किए हैं, इंटरचेंज करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके एक और में ऐड करना, ये तीन काम जो मुझे मैथ ने अलाउ किया, ये तीन ही काम करते थे आप, इसके अलावा किसी को काम याद है, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया करते थे, डिवाइड कर दिया करते थे, तो यही तीन ही काम होते थे ना। तो जो मैथ ने मुझे तीन काम अलाउ किए हैं, मैं उनको करके इसको इतना सिंप्लीफाई करूं कि यहां पे आ जाए, और जैसे ही यहां पे आएगा मैं डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू बता सकता हूं, ये मकसद होता था आपका। ठीक है, अब ये काम आप इक्वेशंस के अंदर करते थे, यही काम आप मैट्रिसेस के अंदर भी कर सकते हो। मैट्रिसेस के अंदर कैसे करोगे, आप एक मैट्रिक्स बनाओगे और कोएफिशिएंट लिखो, ये एक्स का कोएफिशिएंट वन है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट थ्री है, इधर वाई का कोएफिशिएंट थ्री है, नीचे वाई का कोएफिशिएंट फोर है, और जो कांस्टेंट है इनको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और अलग करने के लिए मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, ताकि ये जो है ना ये कांस्टेंट है और ये जो नंबर है ये कोएफिशिएंट है, मतलब पहले कॉलम में मैंने एक्स के कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में मैंने वाई के कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इक्वेशन को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो इस तरह लिखूं,
अब देखो कितना साफ सुथरा तरीका लग रहा है, कोई एक्स नहीं है, कोई वाई नहीं है, कोई इक्वल का साइन नहीं है, प्रॉपर नंबर्स हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, और आपने इनको इतना सॉल्व करना है कि किस फॉर्म में आ जाए, उस फॉर्म में आ जाए कि 1 0 0 1 और एंड पे आपको कोई वैल्यू मिल जाए, यही लिखा हुआ ना वहां पे। तो पहला कॉलम किसका होता है, एक्स का होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। दूसरा कॉलम किसका होगा, वाई का, वाई की वैल्यू क्या आई है, 3। तो कहने का मतलब ये जो काम आप इस तरह घुमा के इधर करते थे, एक्स वाई को अजीब गंदे तरीके से करते थे, ये काम है मैट्रिसेस के अंदर भी कर सकते हो, मैट्रिसेस के अंदर बड़ा साफ सुथरा तरीका लगता है, सही है। तो ये जो काम आपने 3 किए हैं ना, यही काम आपने मैट्रिसेस के साथ करना है। जो बुक ने क्या लिखे हैं जरा देख लेते हैं, बुक ने क्या बोला है कि भाई रॉ ऑपरेशन कौन कौन से, जरा अंग्रेजी सुनो बुक की। उन्होंने बोला है कि जब आप, असल कॉन्सेप्ट ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये मैंने आप लोगों को पूरा समझाया कि इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व करना, असल मकसद इनका सॉल्व करना ही है, बुक में आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन असल मकसद हम करते ही हैं कि इक्वेशन सॉल्व हो हमारी। तो इस तरह सॉल्व करना हमें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2-3 अननोन तो ठीक है, अगर 10 अननोन हो जाए तो एक्स वाई जेड ए बी सी पता नहीं क्या क्या लिखोगे आप, 10 अननोन को किस तरह नाम नाम दोगे। तो यहाँ पे नाम देने की जरूरत ही नहीं आपको, यहाँ पे एक्स वाई जेड आ रहा है, नहीं, बड़ी आसान है आपकी कैलकुलेशन। तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली जो काम आप यहाँ पे 3 ऑपरेशन करते थे, वही काम आपने मैट्रिसेस के अंदर करना, क्योंकि ये एक ही तो बात है, क्या इनमें कोई फर्क है, लिखने का फर्क है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो जो 3 काम आप यहाँ करते थे, वो 3 काम आप यहाँ पे भी कर दो। जिसको बुक ने क्या लिखा है, सबसे पहला काम, देयर आर 3 एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, सबसे पहला इंटरचेंज एनी 2 रॉज, जैसे यहाँ पे आप 2 इक्वेशन को इंटरचेंज करते थे, ये इक्वेशन यहाँ पे रॉज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो जब इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते थे तो रॉस को आपस में इंटरचेंज कर दो। मतलब अगर मैं किसी मसलिहत के तहत इस रॉ 2 को रॉ 1 बनाना चाह रहा हूँ और इसको रॉ 2 बनाना चाह रहा हूँ, तो अलाउड है मुझे, फर्क नहीं पड़ा, जायज है ये काम, क्योंकि ये काम यहाँ पे भी तो करते थे आप, यहाँ पे तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि अलाउड है नहीं अलाउड। ये बात समझ आई? यस सर। अब इसे अगली एक कंफ्यूजन बच्चों को होती है, पता नहीं आप लोगों को हो रही है नहीं हो रही। मैं जब यूनिवर्सिटी में गया था, सेकेंड ईयर था या थर्ड ईयर था, तो ये लीनियर अलजेब्रा का हमने कोर्स पढ़ा था, हमारे कॉन्सेप्ट किसी ने इतने अच्छे क्लियर नहीं किए थे, जो सच बात है। तो मेरे जहन में जब टीचर ने बोला था ना कि यार आप किसी भी 2 रॉ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मेरे जहन में पता क्या आया था, यार जब हम इंटरचेंज करते थे तो हमें माइनस लगाना पड़ता था, यहाँ पे तो माइनस का बताया ही नहीं है, उसका जवाब किसी को पता है, माइनस लगाना पड़ेगा कि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट की अलग अलग होती है। ये बात हमें किसी ने बताई नहीं थी, हमें पता था बस 2 रॉ को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आएगा। फर्क क्या है, वो बातें आपने पढ़ी थी डिटरमिनेंट के अंदर, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है, मैट्रिसेस की अलग होती है, मैट्रिसेस है, कोई डिटरमिनेंट नहीं है यहाँ पे। तो मैट्रिसेस के अंदर 3 काम अलाउड है, जैसे डिटरमिनेंट के अंदर ट्रांसपोज करना अलाउड होता था, मैट्रिसेस के अंदर नहीं है। मैट्रिसेस में ट्रांसपोज का मतलब आपने पूरा चेंज कर दिया, जो यहाँ पे एक्स आई का कोएफिशिएंट, अगर आप इसको मतलब ये 1-3 जो है, अगर आप इसको ट्रांसपोज दोगे तो ये 1-3 इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे तो आपको तकरीबन सेम लगेगा, दोनों जगह 1-3 है, लेकिन आपने चेंज कर दिया पूरा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 था, y का कोएफिशिएंट 3 था, आप अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो x और x दोनों के कोएफिशिएंट 1-3 कर दोगे, जबकि कोएफिशिएंट y का था, अगर इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट हो ना ये, तो देखो आप तो चेंजिंग कर दोगे, लिखना चाहिए आपको इस तरीके से 1-3-6-4, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे ये हो जाएगा 1-3-6-4। इसका मतलब क्या है, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, दूसरी और y का कोएफिशिएंट 6, और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 और y का कोएफिशिएंट 4, चेंज कर दिया आपने पूरा, तो मैट्रिसेस के अंदर आप ट्रांसपोज नहीं ले सकते। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट दोनों अलग अलग बातें, तो सेपरेट हम इनको डिस्कस करें। तो पहली बात मैंने आप लोगों को बता दी, अच्छा दूसरी बात क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रॉ बाय अ नॉन जीरो स्केलर, कि आप ये अलाउड है कि आप किसी भी रॉ को किसी नॉन जीरो स्केलर, स्केलर मतलब कोई रियल नंबर, आप नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नॉन जीरो इसलिए क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो मामला ही खत्म हो जाएगा सारा, पूरी रॉ ही जीरो हो जाएगी ना, सेंस नहीं बनाएगी। जैसे यहाँ पे किसी इक्वेशन को जीरो से मल्टीप्लाई करवा दो तो सेंस ही नहीं बना रही। तो आप किसी भी रॉ को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपको अलाउड किया हुआ उन्होंने, और उन्होंने फिर सिंबल बताया, मैं सिंबल में आप लोगों को बाद में बता दूंगा क्या नोटेशन होती है। तीसरा ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 1 रॉ टू अनदर रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स, कि आप एक रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसको दूसरी रॉ में ऐड कर दो, ये अलाउड है। ये काम यहाँ पे भी आप करते थे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे और दूसरी में ऐड कर दिया करते थे,
तो ये वही काम जो आप यहाँ पे करते थे वही मैट्रिसेस के अंदर भी करना है, क्योंकि लिखने का तरीका अलग है, बाकी सेम ही चीज है पूरी। तो अगर मैं डायरेक्ट ये तीन बताता ना तो आप लोग इसको रट्टे मारते, लेकिन अब जब मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बताया तो अब आप लोगों को क्लियर होगा कि आपने कोई नई बात नहीं पढ़ी, ये बात तो मैट्रिक में भी करते हुए आ रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन का टॉपिक क्लियर हुआ सबको? तो मसला यहां तक नहीं है ना मसला? कॉलम ऑपरेशन भी है, सेम वही चीज लिखी है, पेज नंबर अगर आप 54 पे आओ सेम कॉलम ऑपरेशन भी है, देख लेना इसको एज अ होमवर्क ले लो। सेम वही तीन ऑपरेशन जो आपने यहाँ पढ़े थे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो, मकसद अपना भूलना नहीं। मकसद क्या होता है कि आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ठीक है? तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा, क्यों? डायरेक्ट मुझे वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे, वो तीन काम है, वो तीन काम मैं करके इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए एक सिंबल यूज होता है ये वाला, इसका मतलब ये होता है ये इसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ही है ना भाई। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप ये चीज लिखो एक ही बात है। एक बात क्यों है? सेम ही बात है ना, क्यों? यहाँ पे अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन चलो मैं एक मिनट सॉल्व जल्दी से करके बता देता हूँ आप लोगों को। -6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, चलो छोटा कर लेते हैं ना कुछ, इसको हम 3 कर लेते हैं जैसे पहले था। तो -3x -9y -12, अच्छा ये हो जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जगह पे रहने दो। एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा -5y और -10, बड़ी अच्छी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। तो वाई 2 आ रहा है, और पुट करना इधर 2 की जगह पे 6x -2 आएगा, तो x -2 y 2 ये है। तो ये जो सिस्टम आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस सिस्टम का ये है, मतलब आपने इसको इतना सिंप्लीफाई किया कि आप इसको यहाँ पे ले आए। जो मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाली है वो यही तो मैंने काम किया, इतना सिंप्लीफाई किया कि x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई है। तो अब आप लोग बोलोगे सर ये दोनों बातें अलग हैं, ये अलग ही नहीं है दोनों बातें, ये सेम है। ये सेम कैसे है? क्योंकि ये सेम एक ही बात है, जो ये बात कर रही है ना वही ये बात कर रही है। क्यों? इसको उल्टा हम पढ़ते हैं, जो ये आपको बता रही है ना इसकी बातों पे ये अमल कर रहा है। कैसे? ये आपको बता रहा है कि एक्स माइनस टू है, वाई टू है, तो ये इस बात पे अमल कर रहा है। आप यहाँ पे एक्स की जगह पे -2 पुट करो, वाई की जगह पे 2 पुट करो, पूरी लेफ्ट हैंड साइड 4 के बराबर होगी, किया ना इसकी बात पे। इसी तरह आप यहाँ पे x की जगह -2 पुट करो, y की जगह यहाँ पे 2 पुट करो, पूरी चीज 2 के बराबर होगी। उसका मतलब ये सेम ही है, दिखने में अलग लग रहा है आपको, ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है। तो दैट्स व्हाई आप इसके लिए ये सिंबल यूज करते हो कि ये इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल नहीं आप बोलोगे, क्योंकि दिखने में आपको अलग लग रही है ना, लेकिन है ये इक्विवेलेंट, सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई ये सिंबल आप यूज कर रहे होते हो। ये सिंबल मैं यूज करूंगा जो अब आगे आप लोगों को बताने लगा हूं ना, तो पहले से मैंने बता दिया। तो ये एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन है, डिस्कस कर लिए, लिखे नहीं है यहाँ पे, वैसे वर्बली बता दिए, आप लोग वो बुक से कॉपी कर लेना अगर चाहो तो। अब जो हम पढ़ने लगे हैं ना वो ये है, इसको हम कहेंगे इकिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैं तो यार ECHELON, मैं तो इसको इकिलॉन फॉर्म कहता हूँ, लेकिन कुछ टीचर कह रहे होते हैं इचिलॉन, तो आपकी मर्जी, गूगल विकिपीडिया पे जाके देख लेना इचिलॉन इसका नाम है या इकिलॉन नाम है, देख लेना साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है ये। किसी भी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि इकलॉन फॉर्म के अंदर है अगर वो इन बातों को सेटिस्फाई करे। वो बातें क्या है जरा बातों को देख लेते हैं, मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूँ और एग्जांपल से बातें समझाता हूँ। सबसे पहली चीज क्या आती है? अच्छा जी, ये जो मैट्रिक्स है ना आप बोलोगे इकलॉन फॉर्म के अंदर है। अब इकलॉन फॉर्म होती क्या है? अंग्रेजी पढ़ लेते हैं जरा, क्योंकि कभी अंग्रेजी में एमसीक्यू आ रहे तो क्या करोगे। लिखा हुआ मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m बाई n हो, इसके आगे लिखा हुआ रॉ इकलॉन फॉर्म। रॉ इकलॉन फॉर्म क्यों? क्योंकि रॉ के हिसाब से पढ़ रहे हो ना, मैंने सारी बातें बताई हुई है आप लोगों को। तो रॉ इकलॉन फॉर्म में कब होगी? वो जब वो इन बातों को सेटिस्फाई करेगी, रॉ के हिसाब से सारी बातें होंगी। द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एनी रॉ is one, that is leading entry. इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपनी मैट्रिक्स में देखो उसके अंदर 3 रॉ है, 4 रॉ है, जितनी भी रॉ है, हर रॉ का जो स्टार्ट है वो 1 से होना चाहिए, 0 से भी हो सकता है।
अगर किसी रॉ में पहला एलिमेंट जीरो है, ठीक है जीरो आ सकता है, दूसरा एलिमेंट टू नहीं होना चाहिए, थ्री नहीं होना चाहिए, टेन नहीं होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट वन होना चाहिए। मतलब या तो रॉ का स्टार्ट जीरो से करवा लो, लेकिन अगर जीरो नहीं है तो वन होना चाहिए। जैसे अगर आप सेकंड रॉ में देखो स्टार्ट जीरो से हुआ है, जरूरी नहीं कि स्टार्ट वन से हो, स्टार्ट आप जीरो से कर लो लेकिन उसके बाद वन होना चाहिए, या फिर आपकी रॉ का स्टार्ट ही वन से होना चाहिए। हर रॉ इस बात को सेटिस्फाई करनी चाहिए, या तो फिर कोई रॉ पूरी जीरो हो, लेकिन जीरो के बाद जो नंबर होना चाहिए वो वन होना चाहिए। इसको क्या लिखा उन्होंने, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, जीरो के अलावा जो एंट्री होगी वो हमेशा वन होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग एंट्री। अब देखो ये जो वन है ना, ये लीडिंग एंट्री कहलाया जाएगा, ये लीडिंग एंट्री है। लेकिन इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन आ रहा है, इस वन को आप लीडिंग एंट्री नहीं बोलोगे, ये वाला वन लीडिंग एंट्री है जो जीरो के फौरन बाद आ रहा है। ये फर्क है इन दोनों वन के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी जीरो, कि जो लीडिंग एंट्री है ना उसके नीचे सब जीरो होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सब जीरो है, इसी तरह ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सब जीरो है, यहाँ पे तो कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, तो जो लीडिंग एंट्री है उसके नीचे सब जीरो होने चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, एवरी नॉन जीरो रॉ इन अ मैट्रिक्स प्रीसीड एवरी जीरो रॉ। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी रॉ है जो पूरी जीरो हो तो बिल्कुल एंड पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आपकी पूरी रॉ जीरो है वो दरमियान में हो गई, या वो पहली रॉ हो, नहीं नहीं जो जीरो रॉ है ना पूरी वो सबसे एंड पे होनी चाहिए, उससे ऊपर सारी नॉन जीरो होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो अगर कोई मैट्रिक्स इन तीन बातों को सेटिस्फाई करेगी तो इस पूरी मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा कि ये इक्लॉन फॉर्म के अंदर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी मजीद एग्जाम्पल भी बुक वालों ने लिखी हुई है, देख लेना आप लोग। अच्छा एक और मैट्रिक्स है, मुझे बताओ क्या ये इक्लॉन फॉर्म के अंदर है या नहीं है। एक और एग्जाम्पल देते हैं ना, बताओ इक्लॉन फॉर्म के अंदर है या नहीं। बुक की एग्जाम्पल ही मैं लेता हूँ, और बताना किस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रही, असल तो ये बात है ना कि आपको समझ आएगी कौन सा जो पॉइंट है वो इसने ऑबे नहीं किया। क्या ये मैट्रिक्स है इक्लॉन फॉर्म के अंदर? पॉइंट वाइज देखो, पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है, लीडिंग एंट्री सबकी वन ही है, वन के अलावा कुछ नहीं आ रहा। चेक करो जरा। नहीं क्यों? क्योंकि वन के नीचे सब जीरो नहीं है। मसला इसका है, अगर आप इसको देखो ना, ये लीडिंग एंट्री है, इस लीडिंग एंट्री के नीचे सब जीरो होने चाहिए थे, सब जीरो नहीं है। अगर तो ये होता ना, ये दूसरे पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा था। दूसरा पॉइंट क्या था कि यार सब नीचे जीरो होने चाहिए, लेकिन अब ये पहले पॉइंट को डिसोबे कर रहा है। कौन डिसोबे कर रहा है पहले पॉइंट को? क्योंकि रॉ टू क्या था कि लीडिंग एंट्री वन होनी चाहिए, अब जब मैंने जीरो किया ना तो लीडिंग एंट्री वन नहीं। अगर इस सिक्स को आप किसी तरह वन में कन्वर्ट करो, अब ये इक्लॉन फॉर्म बन गई है, क्योंकि लीडिंग एंट्री सबकी वन है, कोई जीरो रॉ है तो बिल्कुल एंड पे है, और लीडिंग के नीचे सब जीरो है, अब ये इक्लॉन फॉर्म के अंदर आ गई। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ये इक्लॉन फॉर्म के अंदर है। क्या हुआ? लास्ट वाली रो हमेशा जीरो होगी। नहीं नहीं ऐसी, इसको हटा देते हैं, तो इसी एग्जांपल को मैं चेंज कर देता हूँ, ये लो इसको जीरो कर दो या फाइव कुछ भी कर दो, ये भी क्लोन फॉर्म है। तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये है कि अगर इफ कोई जीरो हो तो वो एंड पे हो, जरूरी नहीं कि हर दफा जीरो हो, अगर हो तो आपने एंड पे रखना है उसको। जैसे ये भी क्लोन फॉर्म है, अगर आप देखो सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, पहला पॉइंट अगर इसको मैं जीरो कर दूं और इसको मैं वन कर दूं तो ये क्लोन फॉर्म है, या इसको फिर जीरो कर देंगे और इसको वन कर देंगे, तो अब देखो इक्लॉन फॉर्म बन गई है। तो लीडिंग एंट्री सबकी वन है, अच्छा वन के नीचे जीरो, वन के नीचे जीरो, इसके नीचे तो कुछ आई नहीं, तो ये भी इक्लॉन फॉर्म है पूरी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसको कन्वर्ट कैसे करना होगा, ये तो मैं खुद मिटा विटा के कर रहा हूँ ना, कन्वर्ट कैसे करना है टाइम मिला आज ही बता दूंगा, वन इंशाल्लाह कल देख लेंगे। अब दूसरी फॉर्म है, यही फॉर्म है, बस उसके अंदर एक चौथा पॉइंट होता है, और उसको आप कहते हो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। अब ये क्या होती है भाई, इसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तीन पॉइंट तो होने चाहिए कि लीडिंग एंट्री वन हो, वन के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, कोई जीरो रॉ है तो बिल्कुल एंड पे होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है इसके अंदर? चौथा पॉइंट ये है
पहले आपने पढ़ा था ना दूसरे पॉइंट में कि वन के नीचे सब जीरो होने चाहिए, इसके अंदर ये होता है कि वन के ऊपर भी सारे जीरो होने चाहिए, मतलब नीचे भी जीरो हो और ऊपर भी जीरो हो। जैसे ये वाली मैट्रिक्स जो है ये इक्लॉन फॉर्म है, क्यों? ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पे वन के ऊपर जीरो नहीं है, वन के ऊपर देखो टू आ रहा है, तो लीडिंग एंट्री है ना, वन अच्छा वर्ड नहीं है, जो लीडिंग एंट्री है, क्योंकि वन तो ये भी हो जाएगा, इसकी बात नहीं हम कर रहे, जो लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर भी जीरो होना चाहिए, नीचे भी जीरो ऊपर भी जीरो। तो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मुझे बताना कि इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस नंबर के साथ छेड़खानी करनी है। ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले अब ये बहुत अच्छा है, जिसने समझ लिया है तो वो सब मुझे आसानी से बता देंगे। सबसे पहली बात, ये मैट्रिक्स क्या इक्लॉन फॉर्म के अंदर है? यस सर, फॉर्म के अंदर है। सब एग्री करते हैं इस बात से? या तो हाँ होता है। अच्छा एक काम करो, सब अपने माइक्रोफोन ऑन करो, डिस्कशन चल रही है ना भाई, सबने जवाब देना है, ऑन करो सब माइक्रोफोन अपने, बंद पता नहीं किसके लिए रखे हुए, सब ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, बस सही है, ऑन हो गए सारे। नहीं एक रहता है अभी फिर भी, कौन है कल्प्रिट? ये महरीन है आप? हाँ सही है, मुझे बताओ सब इक्लॉन फॉर्म है ये? जी सर। नहीं है भाई, इक्लॉन फॉर्म कैसे हो सकती है? इक्लॉन फॉर्म यहाँ पे वन के नीचे जीरो आ रहा है, समझ आई बात सबको? वन के नीचे जीरो नहीं आ रहा, इक्लॉन फॉर्म में आपने क्या पढ़ा था? लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए, तो इक्लॉन फॉर्म नहीं है। कैसे बनेगी इक्लॉन फॉर्म? इस तरह। अब मुझे बताओ इक्लॉन फॉर्म है, तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है? नहीं, वन के नीचे जीरो आएगा। थर्ड कौन सा? थर्ड कॉलम वन के नीचे। ये अगेन गलती कर दी भाई, देखो आपने ये नहीं बोलना वन के नीचे जीरो आएगा, लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो आएगा ये बोलो बस। लीडिंग एंट्री ये नहीं है, लीडिंग एंट्री होती है जो पहला वन आता है, जीरो के बाद जो पहला वन है वो लीडिंग एंट्री है। इसके नीचे आपने देखना है, आपने इसके नीचे नहीं देखना, मैंने जानबूझ के वन डाला था, मुझे था रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में मैं कंफ्यूज करूंगा, आप लोग अभी से कंफ्यूज हो गए। ये जो वन है ना ये लीडिंग एंट्री नहीं है, आपको लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो चाहिए, ठीक है? तो लीडिंग एंट्री वन थी, इसके नीचे मैं जीरो आया हूं। इसी तरह इस रॉ में लीडिंग एंट्री ये वन है, इसके नीचे जीरो होना चाहिए। हर रॉ के अंदर आपने देखना है कि लीडिंग एंट्री कौन सी है, दैट्स इट। तो इस रॉ के अंदर ये वन है, इसके नीचे सारे जीरो हैं। इस रॉ के अंदर लीडिंग एंट्री ये है, इसके नीचे सब जीरो, इसके अंदर ये है, इसके नीचे सब जीरो, और इसके नीचे तो कुछ है। अब बताओ क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब मुझे बताओ क्या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में है? नहीं। और क्या काम करें कि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में आ जाए? सब मशवरे दो। समझ नहीं आ रहा जो भी बोल रहे हैं। एक काम करो बंद, मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। फोर को जीरो बनाएंगे। फोर को जीरो बनाएंगे, चलो ठीक है। फिर थ्री को भी जीरो सर। थ्री को भी बना देते हैं भाई, आप कह रहे हो। फाइव को भी बना दो। अब हो गई इसमें, मैं बता देता हूँ, चलो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। मैं देखो बिल्कुल सही बताया है इसने, आपने देखो आइडेंटिफाई करना है, सबसे बंद कर लो माइक्रोफोन, आपने आइडेंटिफाई करना है कि लीडिंग एंट्री क्या है, सबसे बेसिक काम है। लीडिंग एंट्री आपको पता होना चाहिए हर रॉ के अंदर क्या होती है। लीडिंग एंट्री क्या होती है? जो जीरो के बाद पहला वन जो आ रहा है वो लीडिंग एंट्री है, उसके बाद जितने भी वन आते जाए हमें कोई गर्ज नहीं है उससे। तो अगर आप देखो इस रॉ में लीडिंग एंट्री ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। अच्छा एक और पॉइंट जो मैं बताना भूला नहीं हूं, लेकिन उस एंगल से मैं आपको बता देता हूं कि जो लीडिंग एंट्री होती है ना वन, जो नेक्स्ट रॉ में लीडिंग एंट्री होगी ना वो इसके राइट पे होगी, क्योंकि एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं आ सकती, जो जीरो चाहिए होता है ना आपको। तो जो लीडिंग एंट्री ऊपर वाली रॉ में है ना उसके नीचे लीडिंग एंट्री नहीं हो सकती, उसके राइट के ऊपर होगी। ये बात सेंस बना रही है? क्योंकि वन के नीचे कोई लीडिंग एंट्री हो नहीं सकती, वन के नीचे जीरो होगा मना, फिर वो इक्लॉन फॉर्म नहीं होगी। तो हमेशा लीडिंग एंट्री वन के राइट पे होगी। अब वो फॉरन राइट पे है या वो इधर है, मतलब अगर आप इसको इस तरह समझ लो तो अभी भी वन लीडिंग एंट्री है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन वन के राइट पे होगी, नीचे वाली रॉ में राइट पे होगी, एग्जैक्टली नीचे नहीं हो सकती, लेफ्ट पे तो वैसे भी नहीं हो सकती। मतलब ये भी सिचुएशन नहीं बन सकती कि बिलफर्ज आप बोलो कि ये जीरो है ये वन है और आप इसको इस तरह कह दो, नहीं। अब ये नहीं बोलना कि सर सेकंड रॉ की लीडिंग एंट्री वन है, नहीं 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 नहीं,
अगर पहली रॉ में लीडिंग एंट्री यहाँ पे आ रही है तो नेक्स्ट रॉ में राइट पे होगी उसके। बोलोगे सर नीचे नहीं है, साइड पे है, नहीं साइड पे भी नहीं होनी चाहिए, राइट पे होनी चाहिए उस तरफ। तो ये लीडिंग एंट्री है वन, तो इसके राइट पे लीडिंग एंट्री मानी जाएगी। ये वन है तो आपको जीरो करना पड़ेगा इसको। अब किस तरह जीरो करोगे वो हम सवाल देख लेंगे उसके अंदर कि हमारा क्या मेथड होगा, उस हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन लीडिंग एंट्री जो ऊपर है उसके राइट पे ही नीचे होनी चाहिए सारी के सारी। इसी तरह जैसे इधर वन आ गया ना, अब वन के राइट पे लीडिंग एंट्री होगी, यहाँ पे लेफ्ट पे नहीं जा सकती। ये ऑब्जर्व कर लेना, ये पॉइंट समझ आया मेरा? ये असल में मैंने लिखे भी नहीं होते, एकदम से जहन में आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, और क्या करें। चलो दोबारा हम कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, इसको वन बना देते हैं। सही है, अब जरा देखते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना लीडिंग एंट्री क्या है। ये लीडिंग एंट्री यहाँ पे है, इसकी लीडिंग एंट्री ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। अब रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म में क्या होता था, लीडिंग एंट्री के यहाँ पे आपने पढ़ा था लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए। रिड्यूस में क्या होगा, नीचे भी जीरो हो ऊपर भी जीरो हो, ये होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वन के ऊपर जीरो होना चाहिए, लीडिंग एंट्री है ना, वन नहीं बोलो बल्कि लीडिंग एंट्री बोलो, लीडिंग एंट्री, क्योंकि आप लोग बोलोगे फिर इसके ऊपर भी जीरो हो, इस वन के ऊपर, वो इस वन के ऊपर जीरो नहीं होगा, इस वन के ऊपर होना चाहिए, जो लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये लीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर जीरो कर दिया। अच्छा ये लीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर सारे जीरो होने चाहिए। इसी तरह लीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर सारे जीरो होने चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई है इसको आप क्या बोलोगे, है रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक एग्जांपल में डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है, जरूरी नहीं कि हर दफा डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है ना कि आखिरी रॉ जीरो हो और यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख लो 4, 5, 6, ये भी रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म के अंदर है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो जरूरी नहीं होता कि जो रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म में तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, नहीं, किसी स्पेसिफिक एग्जांपल में डायगोनल बन जाएगी, लेकिन जैसे एग्जांपल में रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है, सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर दिए, ये तीन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, चौथा पॉइंट है वन के ऊपर भी सारे जीरो है, लीडिंग एंट्री के ऊपर भी सारे जीरो है। तो इस मैट्रिक्स को आप बोलोगे कि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर है। मेरे ख्याल में आज की क्लास यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे बताना था कि कन्वर्ट कैसे करना है, ये अब खुद हम मिटाते नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ता है पूरा, तो वो प्रोसेस अब वो लंबा है, शायद आप लोगों को समझना है, तो इसलिए उनसे नेक्स्ट क्लास पे रखेंगे। यहाँ तक रिवाइज कर लेना तो काफ़ी है आप लोगों के लिए। रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज रात तक अपलोड कर दूँ, तो इंशाल्लाह इसको रिवाइज करना, देख लेना प्रॉपर जो मैंने समझाया। अगर आप फॉर्म समझ लो ना, दैट्स इट। कल मैं या ट्यूजडे को जो मैंने क्लास लेनी है आप लोगों की, उसमें मैं बता दूंगा कि इस फॉर्म में लाना किस तरीके से। तो पहले फॉर्म तो पता होनी चाहिए, उसके बाद उस फॉर्म में आप लाओगे। इक्लॉन फॉर्म के मैंने आप लोगों को 2-3 पॉइंट बताए थे कि सबसे पहली बात, कोई भी अगर आप मैट्रिक्स है इक्लॉन फॉर्म में होने के लिए, सबसे पहली बात कि जो उसकी रॉ, कोई भी रॉ अगर आप पिक कर लो, उसका जो पहला एलिमेंट है वो वन होना चाहिए, पहला नॉन जीरो एलिमेंट। अगर जीरो आ जाए कोई इशू नहीं है, जीरो के बाद जो भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा ना वो वन होना चाहिए, जिसको आप लीडिंग एलिमेंट कहते हो। अच्छा, तो वो वन होना चाहिए लीडिंग एलिमेंट। दूसरी बात, लीडिंग एलिमेंट के नीचे सब जीरो होने चाहिए, वन के नीचे सारे जीरो हैं। इसी तरह सेकंड रॉ में लीडिंग एलिमेंट ये है, इसके नीचे सब जीरो हैं, और थर्ड रॉ में लीडिंग एलिमेंट ये है लेकिन इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये बताया था कि अगर कोई ऐसी रॉ हो जो पूरी जीरो हो तो वो बिल्कुल एंड पे होनी चाहिए, कि दरमियान में या टॉप पे नहीं होनी चाहिए। और रिड्यूस के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या था कि जैसे आपने पढ़ा था ना लीडिंग एलिमेंट के नीचे जीरो होने चाहिए, रिड्यूस के अंदर है कि लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी जीरो होने चाहिए। इसी तरह ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर भी जीरो हो, नीचे भी जीरो, ऊपर नीचे अगर जीरो हो तो फिर उस मैट्रिक्स को आप बोलोगे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। इसको इस तरह भी बोला जाता है, रॉ इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म, क्योंकि आप रॉ के हिसाब से काम कर रहे हो ना सब। अभी जब आप कन्वर्ट करोगे ना मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, तो वहां पे रॉ ऑपरेशन लगा रहे होगे, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो दैट्स व्हाई इनको रॉ इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि आप रॉ ऑपरेशन करके इन मैट्रिक्स को रिड्यूस कर रहे होते हो, किसी भी इक्लॉन फॉर्म में, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब सवाल ये है कि यार इसको रिड्यूस कैसे करना है। ये तो मैंने आप लोगों को कोई भी एक मैट्रिक्स में आप लोगों को दे दूं और बोलूं कि कन्वर्ट करो इक्लॉन फॉर्म में, अब आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसी तरह रिड्यूस में किस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे। तो ये सीखने से पहले ना आप एक टॉपिक सीख लो, क्योंकि उस टॉपिक में आपको यही काम करना है, तो बेहतर है वो एक साथ ही दोनों काम कर लेंगे। और वो टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का आपको रैंक बताना है। अब देखो बात ना स्क्वायर मैट्रिक्स से निकल चुकी है, अगर आप देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तीन रॉ है, चार कॉलम है इसके अंदर।
इसी तरीके से अगर आप इसमें देखो, तीन रॉ है चार कॉलम है, तो कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अब आगे निकल चुके हो। दैट्स वाई जो मेथड है काफी काम आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो इनवर्स एडजॉइंट डिटरमिनेंट वाले मेथड पढ़े हैं ना, वो वैलिड स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होते हैं। लेकिन अब आप स्क्वायर मैट्रिक्स से निकल गए हो तो इसका मतलब बहुत फायदा है इस चीज का, क्योंकि हर मैट्रिक्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो रैंक भी हर मैट्रिक्स की होती है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक बताना है तो आप किस तरीके से बताओगे। अब देखो, एक तो इसका तरीका ये होता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक बताना बड़ा इजी होता है। इस तरह समझ लो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है और आपको उसका रैंक बताना है, तो क्या करोगे आप सिंपल, ये मैं वर्बली बता रहा हूँ क्योंकि बुक में बात डिस्कस हुई भी नहीं है। बुक में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का देखो, एक रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का जो तरीका है ना, वो जनरलाइज किसी भी मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा लंबा है वो। इसलिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसकी एक शॉर्टकट बनाई हुई है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका शॉर्टकट तरीके से आप रैंक निकाल सकते हो। लेकिन अगर स्क्वायर के अलावा कोई है तो उसके लिए तो आपको मजबूरन ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है ना, ये वैसे तो हर मैट्रिक्स के ऊपर लगता है, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, लेकिन ये तरीका थोड़ा लंबा होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपने ट्रिक बनाई हुई है, उस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो। अब वो ट्रिक जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंसीडर कर लो मैं एक आप लोगों के सामने मैट्रिक्स लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपको बोला जाए कि आपने इसका रैंक निकालना है, तो अब रैंक किस तरीके से हम निकालेंगे। रैंक का मतलब ये होता है, इसको अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन में बताऊं ना, जो लीनियर अलजबरा यूनिवर्सिटी में जो कोर्स पढ़ाया जाता है, जहां पे टॉपिक है वहां पे जो प्रॉपर डेफिनेशन बच्चों को पढ़ाई जाती है, बुक में मेरे ख्याल में आप लोगों की लिखी भी नहीं होगी, मुझे पक्का यकीन है बुक में डेफिनेशन ये वाली होगी नहीं। तो ये डेफिनेशन लिखी भी नहीं है, असल डेफिनेशन ये होती है कि आपकी जो बिलफर्ज अगर रॉ के हिसाब से आप बात करो ना, तो आपकी रॉ जो है ना वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी और रॉ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, 1 2 3 4 5 8, फॉर एग्जांपल 3 6 9, अगर आप इसकी बात करो, तो जो थर्ड रॉ है ना, ये डिपेंड कर रही है पहली के ऊपर, पहली को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड रॉ बन गई, तो डिपेंड कर रही है। तो आपने ऐसी रॉज देखनी है जो इंडिपेंडेंट हो, जैसे ये पहली वाली रॉ इंडिपेंडेंट है, दूसरी वाली जो है वो इंडिपेंडेंट है, तीसरी वाली जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो पहले पे डिपेंड कर रही है। रैंक क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट रॉज है, जितनी इंडिपेंडेंट रॉज है वही रैंक होता है। जैसे इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट रॉज है तो आप बोलोगे इसका रैंक 2 है, अगर इसके अंदर कुछ ये मैं रॉ को चेंज कर देता तो अब बिलफर्ज अगर इंडिपेंडेंट बना देता, कंसिडर कर लो मैं इसको इस तरह कर देता हूं, जस्ट यहां पे चेंजिंग करता हूं, अब ये इंडिपेंडेंट बन गई है। ये तीसरी वाली रॉ किसी रॉ से नहीं आई भी, अपनी तरफ से खुद आपने लिखी हुई है यहाँ पे। तो अब आप इसको क्या बोल दोगे, अब जो है इसका रैंक 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट रॉज मौजूद हैं। तो ये असल डेफिनेशन होती है कि कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रॉज मौजूद है उतना रैंक होता है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने इसको समझना है, तो आप ये कर लो कि आप अपने मैट्रिक्स को ना या तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और जब आप उसमें कन्वर्ट कर लोगे तो फिर आप आसानी से रैंक बता सकते हो। तो कंफ्यूज ना करूं मैं आप लोगों को, मैं समराइज करता हूं बात, फिर आगे लेके चलते हैं। कि सबसे पहली बात, रैंक की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई है कि इंडिपेंडेंट रॉज होनी चाहिए। अब कभी इंडिपेंडेंट रॉज मालूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे इसके अंदर अगर आप मालूम करोगे कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, थोड़ा मुश्किल होगा आपको। इसी तरह कुछ और भी ऐसी हो सकती है कि जिसमें आपको डायरेक्ट मालूम करना कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन नहीं है, एटलीस्ट आप लोगों के लेवल पे, तो ये मुश्किल काम होगा। तो इससे इजी काम क्या है कि आप अपनी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लो या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, के बाद आप आसानी से रैंक बता सकते हो। कैसे बताओगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आपका काम क्या होगा, आपने कन्वर्ट करना है इसमें या इसमें, और उसके बाद आपने रैंक बताना है। ये जो टेक्निक है ये आप लगाओगे जब वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक शॉर्टकट है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, उससे आप आसानी से रैंक बता सकते हो। वो शॉर्टकट सिंपल क्या है कि आपने डिटरमिनेंट निकालना है, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, रेक्टेंगुलर का तो नहीं निकाल सकते। तो आपने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है। वंस आपने डिटरमिनेंट निकाल ली, अगर तो डिटरमिनेंट 0 है तब रैंक 3 नहीं हो सकता उसका। मैं बता रहा हूँ कि बिलफर्ज 3x3 की मैट्रिक्स है ना, अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला, कंसिडर कर लो उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। पहले ये वाला केस डिस्कस करते हैं कि उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब उसका रैंक जो है वो 3 होगा, जितनी रॉज है उतना उसका रैंक हो जाएगा अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, अब रैंक क्या होगा, रैंक 3 नहीं होगा,
इतना कंफर्म है, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो रैंक थ्री नहीं होगा। अब रैंक टू भी हो सकता है, रैंक वन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये पहले क्लियर कर लो कि अगर डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है ना तो रैंक थ्री नहीं हो सकता, या तो रैंक टू होगा या रैंक वन होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि रैंक टू है या रैंक वन है, तो इसके लिए सिंपल आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी ये है कि कोई भी चार एलिमेंट आपने पिक करने एक साथ, जैसे इन चार को पिक कर लो आप, इन चार को पिक कर लो, या इन चार को पिक कर लो, इस तरीके से आपने पिक करना है। इनको हम कहते हैं सब मैट्रिक्स। आप किसी भी एक रॉ या किसी भी एक कॉलम को डिलीट करो, जो चार पीछे बचेंगे ना वो आपने पिक करना, आपकी मर्जी, आप कोई भी पिक कर लो। आप कहते हो कि सर मैं पहली रॉ और तीसरा कॉलम डिलीट कर रहा हूं तो ये चार बचेंगे। आप कहते हो कि सर मैं तीसरी रॉ और पहला कॉलम डिलीट करता हूं तो ये चार बचेंगे। आप कोई भी एक रॉ कोई भी एक कॉलम डिलीट करो, जो चार पीछे बचेंगे उनका डिटरमिनेंट निकाल लो। जैसे कंसीडर कर लो मैं इसको पिक करता हूँ 5, 6, 8, 9, तो डिटरमिनेंट निकालो 5, 9 का क्या होगा, 8, 6, 48, तो डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, -3। तो अगर इस तरीके से आप डिटरमिनेंट निकालो और आपका डिटरमिनेंट जीरो ना आ रहा हो तो समझ जाना कि रैंक क्या होगा, 2 के बराबर होगा। और अगर अभी भी डिटरमिनेंट आपका जीरो आ रहा है, इसका मतलब रैंक जो है वो आपका 1 होगा। आपको समराइज करके दोबारा बता देता हूं कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा तो जितनी उसके अंदर रॉज हैं उतना उसका रैंक हो जाएगा। अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, किसी भी एक रॉ किसी भी एक कॉलम को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बची है उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो ना आए तो रैंक 2 हो जाएगा, अगर उसका भी जीरो आ गया तो अब रैंक जो है वो 1 हो जाएगा। होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, आप अगर आप जल्दी निकालना चाह रहे हो ना तो इस तरीके को फॉलो करके आप जल्दी रैंक निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो अब मसला हो जाएगा, अब तो आप डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं सकते ना। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है, या अगर वो स्क्वायर भी है और आप दूसरे तरीके से निकालना चाह रहे हो तो वो दूसरा तरीका काफी इफेक्टिव है, क्योंकि वो हर किस्म की मैट्रिक्स पे अप्लाई हो रहा होता है। तो मैंने शुरू में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है, अब मैं उस तरीके पे आ जाता हूं जो बुक में डिस्कस हुआ है, जो आप लोगों को सीखना है प्रॉपर। ठीक है, ये तो वही बातें जो आप लोगों ने पहले सीखी हुई है, बस एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिए। कोई सवाल है यहाँ तक किसी भी बच्चे का, कोई कंफ्यूजन? क्या हुआ, रैंक जीरो नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। ये एमसीक्यूज मैंने कल ही ऐड किया है अपने एमसीक्यूज एक पीडीएफ के अंदर। अगर कोई मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स है ना तो उसका रैंक जीरो होगा, अगर कोई मैट्रिक्स नल नहीं है तो 1 रैंक लाजमी होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि एक रॉ मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं ना, मसला हल कर देते हैं। अगर ये जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, जो आपका सवाल है बहुत अच्छा है, अगर आपने मेरी ये वाली बात समझी हो, मैंने कहा था जो इंडिपेंडेंट रॉज होंगी ना, तो कंसीडर कर लो अगर एक रॉ है, एक चीज हो वो तो इंडिपेंडेंट ही होती है ना, चीज किसी पर डिपेंड थोड़ी ना कर रही होगी। बिल्कुल, अगर आपके पास एक ही रॉ है तो वो इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी पर डिपेंड थोड़ी ना करेगी। तो अगर रॉ मैट्रिक्स भी होगी ना उसका रैंक भी 1 होगा, अगर एक इंडिपेंडेंट ही होगी, दैट सी बात है, एक ही है तो वो इंडिपेंडेंट होगी। इसी तरह अगर कॉलम मैट्रिक्स है उसका रैंक 1 होगा। रैंक 0 उस वक्त होगा जब रॉ या कॉलम ही पूरा 0 हो जाए, और अगर कोई कॉलम या रॉ मैट्रिक्स के अलावा है, जैसे मैंने इसकी एग्जाम्पल दी है या इसकी एग्जाम्पल दी है, तो मिनिमम रैंक 1 होगा उसका, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंट रॉ होगी ना, बाकी चलो डिपेंड कर रही होंगी लेकिन एक तो मिनिमम इंडिपेंडेंट होगी उसके अंदर। तो मिनिमम रैंक जो है वो 1 होता है नल मैट्रिक्स के अलावा, नल मैट्रिक्स का रैंक तो 0 होता है। ठीक है, तो जाकिर नायक एक जुमला बोलता है क्वेश्चन एंड करने के बाद, डॉक्टर जाकिर नायक जो है, आई होप यू, पता नहीं, आई होप, पता नहीं क्या था, किसी को पता जुमला क्या बोलता है एंड पे आके? डॉक्टर जाकिर नायक को मैंने देखा भी या नहीं देखा, पता है डॉक्टर जाकिर नायक का सबको यहाँ पे? Yes, हाँ, वो कहता है आई होप यू आंसर द क्वेश्चन, ये जुमला बोलता। तो मेरे भी अब ना यही बोलना है, क्योंकि आप लोग हाँ ना तो कर नहीं रहे होते, मैं खुद ही बोल दूंगा आई होप यू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, खैर जो भी है, इसका एक काम करो स्क्रीन शॉट ले लो, या एक काम करो मैं जुमला पहले लिखवा देता हूँ फिर स्क्रीन शॉट ले लेना। अच्छा, थोड़ी आगे पीछे नॉर्मल शॉर्मल हमने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देख लिया सब, अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आप किस तरीके से निकालोगे। ये थी शॉर्टकट, याद कर लेना, आगे जाके कभी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में काम आ जाएंगी बातें, क्योंकि मैं तो, मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बोला था मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा रहा, मैं हर मैथ पढ़ाऊंगा आपको,
ताकि आप लोगों के आगे फायदा हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर करने के बाद क्या छोड़ो थोड़ी ना देनी पढ़ाई। तो ये बातें आप लोग नोट कर लेना, इंशाल्लाह जिंदगी में काम ही आएंगी। अब आ जाओ कि आपने बुक में किस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें जब सवाल आएगा तो आपने किस तरीके से रैंक मालूम करना होगा, चाहे वो 3x3 मैट्रिक्स हो, चाहे वो 4x4 हो, या चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, कोई भी मैट्रिक्स आई होगी तो आपने पेपर में किस तरीके से उसका रैंक निकालना है, तो वो वाला मेथड आपने करना है। और वो मेथड पता है क्या है? वो मेथड ये है कि सिंपल नंबर ऑफ जीरो कन्वर्ट इनटू एक्लॉन और रिड्यूस एक्लॉन। भाई सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, उसको कन्वर्ट करो एक्लॉन फॉर्म में या उसको रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बात एक ही होगी। तो बेहतर है हम अपनी आसानी के लिए इसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कम काम करना पड़ता है, इसमें मजीद एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करना, बेहतर है उसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। वंस आप एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो आपने क्या देखना है, आपने गिननी है, गिनती करनी है किस चीज की, नॉन जीरो रॉस की। जितनी नॉन जीरो रॉस होंगी, नॉन जीरो का मतलब क्या है कि आप जीरो रॉस क्या होंगी, जीरो रॉस ये वाली है कि जिसमें हर एलिमेंट जीरो है। नॉन जीरो क्या होगी, नॉन जीरो का मतलब एटलीस्ट एक भी जीरो के अलावा एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली रॉ है, कंसिडर कर लो इसको मैं जीरो कर देता हूँ। अगर आप इस थर्ड रॉ को देखो, इसके अंदर सारे ही जीरो है सिवाय इस वन के, आप इसको नॉन जीरो रॉ बोलोगे, जीरो रॉ नहीं बोल सकते, जीरो रॉ इसी को बोलोगे जिसमें सब जीरो है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने वंस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आपने काउंट करना है नॉन जीरो रॉस। काउंट करते हैं, इसमें अगर आप देखो ये नॉन जीरो रॉ है, ये नॉन जीरो रॉ है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, दो नॉन जीरो रॉ है तो रैंक टू है इसका। इसी तरह इसकी बात करो तो रैंक क्या होगा इस मैट्रिक्स का, रैंक थ्री होगा। क्यों, ये भी नॉन जीरो रॉ है, ये भी नॉन जीरो रॉ है और ये भी नॉन जीरो रॉ है। और अगर आप इसकी बात करो तो इसका रैंक भी थ्री होगा, क्योंकि जो चौथी रॉ है वो जीरो रॉ है, तो तीन नॉन जीरो रॉ है जो ऊपर लिखी हुई है, तो दैट्स व्हाई आप बोलोगे इसका रैंक जो है वो थ्री है। तो अब दोनों काम एक साथ हम सीखेंगे, पहले तो हम ये सीखेंगे कि एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, और इसी तरह रैंक भी आ जाएगा आपके पास। जब आपने एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो रैंक भी आप आसानी से निकाल लोगे। तो दोनों काम मैं एक साथ आप लोगों को करवाता हूँ, और बुक का क्वेश्चन ही करवाता हूँ, ताकि आप लोग चीजें सीख जाओ एक साथ।